फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पर। आज हम 42 चेस्ट साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है 42 साइज़ के लिए, और ये देखिए फ्रेंड्स, पेपर डबल है और खुली साइड मैंने अपने साइड में रखी है, बंद साइड मैंने उल्टी साइड में रखी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी गले की चौड़ाई नापते हैं। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंचज़। ये 42 साइज़ के लिए है फ्रेंड्स। तो 3 इंचज़ मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई रख ली है। साथ ही में हम इसकी शोल्डर पट्टी को रखेंगे 3.5 इंचज़। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आर्म होल को बढ़ाएंगे नीचे। तो आर्म होल मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6.5 इंचज़। ज़्यादा बड़ा आर्म होल रखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, 6.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। अब हाइट को आप अपने हिसाब से रखें। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 15 इंचज़। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो 15 पर मैंने मार्किंग कर ली। अब फिर से एक बार यहीं पर टेप रखेंगे जहाँ पर आर्म होल को गिना है, और यहाँ पर 42 का फोर्थ भाग ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 42 का फोर्थ भाग हो रहा है 10.5 इंचज़। ये देखिए फ्रेंड्स, 10.5 पर मार्किंग आप कर ले। इसके बाद 1.5 इंच के लिए हमें एक्स्ट्रा रखना है, तो मैं 12 पर मार्किंग करूँगी। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा। आप चाहें तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो सेम नीचे से भी मैं 12 इंच पर मार्किंग कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 12 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब जैसी भी हमने मार्किंग करी है, इन मार्किंग्स को जोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, आर्म होल को गिनते हैं। तो आर्म होल यहाँ पर मैं रख रही हूँ 1.25 इंच। ये 42 साइज़ के लिए है, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच का आर्म होल रख रही हूँ, और आर्म होल पे निशान लगाएंगे। अब इसको दे देंगे गोलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, अब एज इट इज़ इसको कट करते हैं और बैक साइड को अलग करते हैं, और फ्रंट साइड की हम कट बाद में ड्राइंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और बैक पार्ट को हम अलग निकाल लेंगे। अब करते हैं मार्किंग। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आगे के गले को नापते हैं। तो आगे का गला आप कम ज़्यादा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आगे के गले को रखेंगे 7 इंचज़। 7 पर मार्किंग कर लेंगे और इसे इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 इंच पर मार्किंग कर ली है। यहाँ पर भी हमें 3 इंचज़ गिनना है। तो देखिए, यहाँ पर नॉर्मली कम ज़्यादा हो जाता है, तो आप फिर से एक बार स्केल से इसे बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। और अब क्रॉस पट्टी को रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 और 4 इंचज़ की क्रॉस पट्टी रखूँगी। तो 3 इंच पर मैंने एक बार मार्किंग कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पर कर लेंगे इसको 4 इंचज़ पर मार्किंग। 3 इंच पर भी एक बार मार्किंग कर लेंगे। दोनों मार्किंग को एक साथ जोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, सेम इसी जगह पर मैं टेप रख रही हूँ, इसी लाइन पर, और हम इसे 4 इंच पर मार्किंग करेंगे, और 4 इंच पर हम इसको गोलाई देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्रॉस पट्टी बन गई है। अब सेम इसी लाइन पर हम फिर से एक बार इस तरह से टेप को रखेंगे, और हम यहाँ पर कटोरी नाप लेंगे 7 इंचज़। तो मैं यहाँ पर 7 इंच की कटोरी नाप रही हूँ। 7 पर मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम 1 इंच 1.25 इंच अंदर नापेंगे, और 1.25 इंच पर हम इस तरह से नाप कर गोलाई को दे देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर करेंगे, 1/2 इंच पर मार्किंग कर ले, और इसके बाद हमें कटोरी को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 42 साइज के लिए है इस तरह से। अब बैक साइड में 1 इंच का लिया था, तो यहाँ पर मैं 1 इंच रख रही हूँ अंदर, 1 इंच का मार्जिन, और अब हम इसको गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट है तो थोड़ी सी बाहर से गोलाई देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नॉर्मल कटिंग है, तो जैसे हम सबसे पहले क्रॉस पट्टी को अलग निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम कटोरी को आगे बढ़ाएंगे। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए हमें फिर से एक बार इसको कटोरी को इस तरह से सेंटर पॉइंट लेना है। सेंटर पॉइंट पे आप मार्किंग कर लीजिए। तो हमें इस तरह से नॉच लगाकर मार्किंग कर लेनी है सेंटर पॉइंट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट बन गया। अब एक अलग पेपर पर इस तरह से हमें कटोरी को रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप एक अलग पेपर पर कटोरी को रख लीजिए और इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए। जैसी भी कटोरी हमने बनाई है, हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कटोरी को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ से 1.5 इंच आगे बढ़ाना है कटोरी को। 3 पॉइंट से हम कटोरी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर आगे बढ़ाऊँगी। सेंटर पॉइंट से भी हम 1.5 इंच नीचे बढ़ाएंगे और यहाँ कॉर्नर पॉइंट से भी हम इसको 1.5 इंच आगे बढ़ा लेंगे। तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच आगे रखेंगे। तो आप 1/2 इंच गिन लीजिए कि आपको बिल्कुल 1/2 इंच आगे रखना है। ये थोड़ा सा हमारा सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से बना लूँगी। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच आगे रखेंगे। 1/2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से आगे, और अब हम इसको गोलाई दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कटोरी को बढ़ा लेना है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 14 इंच साइज़ के लिए कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है मुझे देने के लिए, थैंक यू सो मच।